क्या हाल है दोस्तों, आप पूछ रहे हो क्या हाल है। हम खा रहे हैं पार्ले जी, बट अब पार्ले जी का टाइम खत्म हो गया है क्योंकि उसकी जगह आ गया है 5G। इंडिया में 5G फोनों के से बौछार आने वाली है फ्रेंड्स। लिटरली जो लॉन्च इवेंट से ना वो एक के बाद एक ना रीशेड्यूल हो रहे हैं कि मतलब पहले कर दियो जाए, हमारा 5G फोन पहले निकले, हमारा 5G। रियलमी, शाओमी, IQ, सैमसंग, मतलब सबसे पहले सबको फर्स्ट प्राइज चाहिए, बट हम प्राइजेस में विश्वास नहीं रखते। जो फोन सही है एक दो दिन बाद भी निकले कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम आपको अच्छे से बताने की कोशिश करेंगे। हमारे पास रियलमी X50 प्रो 5G प्लस अल्ट्रा अनलिमिटेड इंटेलेक्चुअल प्रो मैक्स वेरिएंट आज 5G जो है वो 4G का मतलब ऐसे अपग्रेड सा बोल सकते हो आप। ये 10 टाइम्स फास्टर है 4G से, मतलब लिटरल आप एक मूवी एक सेकंड में डाउनलोड कर सकते। GBPS में जब स्पीड आते फ्रेंड्स, होमवर्क ऐसे फटाफट निपटाया जाता है। बेसिकली रियलमी X50 प्रो ये 5G वाला पहला फोन अभी मतलब जो हमारे पास उसे दूसरा फोन है बट इसमें सारे बैंड चलते हैं। इससे पहले S20 प्लस ट्राई करा था बट उसमें ना सारे बैंड्स नहीं चलते थे 5G के, इसमें सारे बैंड चलते हैं। तो मेन क्वेश्चन ये है कि भाई 5G तो अभी इंडिया में लॉन्च भी नहीं हुआ है और उसके साथ 5G की ना हर चीज़ भी अच्छी नहीं है, उसकी डिसएडवांटेजेस भी काफ़ी सारी हैं। तो दोस्तों व्लॉगर मोड ऑन कर लिया मैंने आप लोगों के लिए 5G टेस्टिंग दोनों पे ना एक साथ ट्राई करते हैं। ऐप इंस्टॉल करना हमारी ऐप यार मस्त है। इस पे वेटिंग टू डाउनलोड चेक करते हैं भाई पहले किस में होता है। जैसा कि आप देख सकते हो इसमें 3% डाउनलोड हो गया है बट इसमें अभी भी वेटिंग टू डाउनलोड दिखा रहा है। और एक्चुअली हमारा जो एरिया है ना यहाँ पे थोड़ा नेटवर्क कम भी आता है बट इसमें अभी ऑलरेडी 13% हो गया है और इसमें अभी भी वेटिंग दिखा रहा है। बहुत ही छोटी सी एप्लीकेशन है 8 MB की और स्पीड भाई 5G वाली तो 100% नहीं आ रही। बट जैसा कि आपको थोड़ा सा आइडिया लग रहा होगा, और तो दोनों में ही 4G चल रहा है बट ये 5G वाले फ़ोन में तेज़ क्यों डाउनलोड हो रहा था, इसका रीज़न मैं वीडियो में एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहली बात, ये जो फोन है ना इसका बैक पैनल में और काफी इंटरेस्टिंग सा लगा है कि मैट ग्लॉसी फिनिश। बेसिकली हो क्या रहा था, लोग पोर्ट्रेट मोड में फोटो खींच रहे हैं, बैकग्राउंड ब्लर मस्त सबको पसंद आया तो इन्होंने बैक पैनल भी ब्लर कर दिया है। बेसिकली काफी ग्लॉसी सा पैनल और मेरे को पर्सनली काफी अच्छा चिकना चिकना सा लगा है और इसमें फिंगरप्रिंट भी ज़्यादा नहीं आ रहे और फील भी काफ़ी प्रीमियम सी आता है। बट ये वाला फ़ोन एक तो काफ़ी हेफ्टी भी लग रहा है पकड़ने में और काफ़ी मतलब नॉर्मल जो रियलमी के फ़ोन आते हैं उनसे काफ़ी ज़्यादा भारी भी है। और एक चीज़ और आपने नोटिस करी हो तो इसमें हेडफोन जा कहीं नहीं, इन सब का रीज़न ना हमको मतलब 5G पे ही लेके जा रहा है। बेसिकली होता क्या है, जैसे कंप्यूटर में एक CPU होता है ना, इसमें मोबाइल्स में ना CPU नहीं होता, इसमें SoC होती है। SoC का मतलब वो एक चिप होती है, उसके अंदर आपका मॉडेम लगा होता है, उसके बाद प्रोसेसर लगा होता है, थोड़ी सी मेमोरी होती है और छोटी मोटी और चीज़ें होती हैं। और मॉडर्न जो होता है उसी के अंदर 4G 5G वाला सारा मसाला घुसा के रखा जाता है। बट 5G का ऐसे कोई SoC नहीं बन के आई है तो इसलिए 5G की ना अलग से एक चिप लगानी पड़ती है जिसके लिए जगह चाहिए पड़ती है। उसी की वजह से हेडफोन जैक भी हटा रखा है, थोड़ा बल्की भी हो गया। और 5G को चलाने के लिए ना क्योंकि दो चिप चलानी पड़ती हैं, बैटरी भी ज़्यादा चाहिए पड़ती है, इसलिए इसमें बैटरी भी बढ़ाई गई है। 65 वॉट चार्जिंग है इसमें, जो नॉर्मल फास्ट चार्जर्स होते हैं 15 या 20 वॉट के होते हैं, उनसे 3 गुना ज़्यादा पावर देता है। आपको टेस्ट करके बताते फ्रेंड्स। प्लग पॉइंट थोड़ा दूर पड़ गया था इसमें, रिकॉर्ड कर दिया। देखो अभी इसमें ना कनेक्ट करते हैं, ये नंबर ऐसे दिखता है ना ऐसे बढ़ता हुआ, तो वैसे अंदर खुशी सी मिलती कि भाई फोन क्या ऐसे जादू हो रहा है फोन के अंदर। ये फोन आधे घंटे में पूरा चार्ज जाता है। और एक दो और भी इसमें चीज़ें हैं, जैसे जो स्क्रीन है इसकी 90Hz वाला पैनल है और बेसिक इसमें रिस्पॉन्स टाइम काफ़ी तगड़ा हो जाता है। और ये एक ऐसा फीचर है जो मेरे को पर्सनली काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है स्क्रीन में। इसमें स्नैपड्रैगन 865 भी है जो इस टाइम पे फ्लैगशिप प्रोसेसर है। और इसमें ना मैंने एक चीज़ और मतलब नोटिस मतलब दिख रही है अलग से, इसमें ना 2 कैमरे और एक कैमरा जो है वो वाइड एंगल वाला कैमरा है। और फ्रंट में ना वाइड एंगल वाले बहुत ही कम देखने के लिए मिल रहे हैं, एक बार मैं खींच के दिखा दूँ। वाइड एंगल वाली में ना स्किन टोन्स थोड़ी डिफरेंट लग रही हैं बट मैं ऑनेस्टली बताऊँ मेरे को पिक्चर की क्वालिटी तो है दोनों में ही सही लग रही है। इसका जो कैमरा भी है वो भी रियलमी X2 प्रो जो है उससे हल्का सा इम्प्रूवड है। जो सैम्पल है वो मैं आपको ना अभी फटाफट खींच के दिखा दूँ, आप लोगों को भी थोड़ा आइडिया लग जाएगा। ऑप्टिमाइजेशन तो मेरे को दोनों में ही सही लगी, ये नॉर्मल वाली है
और ये वाइड वाली है, बट वाइड एंगल में भाई डिटेल मेरे को थोड़ी सी कम देखने के लिए, हल्की सी देखो ब्लर हो रही है, बट जो प्राइमरी वाला है भाई इसमें तो देखो दाना दाना इसका मस्त सा दिख रहा है। हमारी एक्साइटमेंट सबसे ज्यादा 5G के साथ है, पार्ले जी को टेक ओवर करा जा रहा है, हमारे आत्मसम्मान पे अटैक हो कुछ भी 5G एक्चुअली डिफरेंट इसलिए भी है, होता क्या है मोबाइल वाले जो नेटवर्क के टावर होते हैं ना उसे से एक वेव निकल के आती है, उसको रेडियो वेव बोलते हैं, क्योंकि पता नहीं रेडियो बोलते हैं होता क्या है 4G में जो वेव्स हैं वो थोड़ी कम फ्रीक्वेंसी की रहती हैं, 4G में अराउंड 2.5 टू 5 GHz होती है और 5G में 300 तक अवेलेबल होता है। होता क्या है ये नंबर बढ़ने से स्पीड तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, बट उसके साथ ना मतलब जो एरिया जो कवर करता है ना वो भी बहुत कम हो जाता है, और लिटरल कभी कभार बारिश भी अगर हो जाए ना तो उससे भी स्पीड पे इंपैक्ट आता है, या फिर पेड़ कोई रस्ते में आ जाए टावर के बीच में उसके बाद भाई पूरा सिग्नल जाम हो जाएगा। इसको फिक्स करने के लिए एक लो बैंड 5G बनाया जिसका मतलब ऐसे बैलेंस हो जाता है, बहुत तगड़ी स्पीड नहीं आती बट एरिया काफी ज्यादा कवर हो जाता है, और ये मतलब 60 Mbps 100 Mbps के अराउंड आपको स्पीड दे देगा, तो वो भी अगर आ जाए। एक बहुत ही मतलब एक सिंपल सा क्वेश्चन है यार, इंडिया में तो अभी लॉन्च भी नहीं हुआ, 2022 में आएगा ये, और तब तक हम वेट करें इस वाले फोन को लेके, या तब कोई दूसरा फोन खरीद लेंगे, तब जो बेटर 5G फोन आएगा वो खरीद लें, इसको खरीदने का क्या रीजन होगा? और अभी अगर 4G चलाना तो इस वाले फोन को लेके क्या फायदा है, एक्स्ट्रा पैसे भी देने पड़ जाते हैं। काफी हद तक ये सही भी है, 5G एक्चुअल आप यूज नहीं कर पाओगे, बट होता क्या है क्योंकि SoC जो है और जो मॉडम है वो अलग अलग हो जाता है, और जो मॉडम है 5G का अलग से बड़ा सा लगता है, तो उसकी वजह से जो आपकी नॉर्मल 4G पे भी स्पीड्स आ रही है ना, या फिर जो कनेक्शन आपको देखने के लिए मिल रहा है 4G पे, या फिर आपका जो वाईफाई भी चल रहा है वो भी इम्प्रूव हो जाता है, ऐसा यूजुअली मैंने देखा है, क्योंकि जो मॉडम होता है वो काफ़ी हाई क्वालिटी का पड़ा रहता है। तो एक छोटा सा टेस्ट कर लेते हैं, ये ऑफकोर्स एकदम 100% साइंटिफिक टेस्ट तो नहीं है क्योंकि काफ़ी सारे फैक्टर्स होते हैं, बट आपको फ़र्क तो देखने के लिए मिल ही जाएगा कि एक बेटर क्वालिटी जो मॉडम होता है उससे क्या क्या फ़ायदे रहते हैं। तो मैं वाईफाई पे ही बेसिकली दोनों सेम वाईफाई कनेक्शन पे हैं, और इसको प्ले स्टोर से ना मैं PUBG डाउनलोड करता हूँ दोनों फ़ोन्स के अंदर, और देखते हैं भाई किसमें ज़्यादा तेज़ी से हो रहा है। दोनों में ना एक साथ इंस्टॉल बटन दबाते हैं, और इसमें पहले दब गया थोड़ा सा, अभी आप इसमें देख सकते हो इसमें 0% है, 1% हुआ है, और इसमें 3% अभी हो ही चुका है। ओवर टाइम आप देख सकते हो इसमें 36 हो रखा है, इसमें 48% है, तो समझ लो 15-20% का आप इंक्रीज बोल सकते हो वाईफाई की स्पीड में, और ये तो खाली वाईफाई है, और ये सेम चीज़ आपको 4G में भी देखने के लिए मिलती है, और ये सेम चीज़ अगर आप मोबाइल डेटा भी यूज़ करते हैं तब भी आपको देखने में मिलती है। और बेसिकली इस वाले फ़ोन में एक बेटर क्वालिटी का मॉडम है, और ये सुनने में ऐसा कुछ मज़ेदार सा नहीं लगता, कुत्ता सेक्सी सा नहीं लगता, ऐसे 5G लिख के बेचो तो भाई बड़ा मस्त सा लगता है, और इसीलिए काफ़ी सारी कंपनीज हैं रिसेंटली मैंने देखा कि वो मार्केट प्रोडक्ट को किसी और चीज़ के बेसिस पे कर रही हैं, बट एक्चुअल जो चीज़ इम्प्रूवड है वो कुछ और है। जैसे सैमसंग का फोन था उसमें 64 मेगापिक्सल और उसके बाद जूम वूम है सारी चीज़ें, बट वो बेसिक जो प्राइमरी कैमरा था वो 12 मेगापिक्सल का था, और वो ना काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव भी था, तो सेम चीज़ मेरे को इसमें भी लग रही है। तो मैं एकदम सीधा बताऊँ, खाली इस वाले फ़ोन के लिए नहीं, और भी जो 5G फ़ोन्स हैं इस टाइम पे, क्योंकि 5G तो अभी थोड़ा टाइम है आने में, तो लिटरल अगर आप उस फोन को खरीद रहे हो या तो आप बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हो, या फिर अगर आप इंडिया में हो तो आपको थोड़ा बेटर रिसेप्शन मिलेगा, आपकी वाईफाई की स्पीड थोड़ी बेटर हो जाएगी और आपकी डेटा की स्पीड थोड़ी बेटर हो जाएगी, बट ऐसा बहुत ही ड्रास्टिक डिफरेंस तो नहीं है 5G वाला, ये एक रीज़न हो सकता है, या फिर आपको टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करना है इसलिए आप खरीद सकते हो। और मैं ऑनेस्टली बताऊँ तो फोन भी मेरे को काफ़ी तगड़ा लगा है इस प्राइस पॉइंट के लिए, मेरे हिसाब से अगर आपके पास बजट है तो काफ़ी तगड़ा ऑप्शन है, और होपफुली आप लोगों को पसंद आई होगी वीडियो, थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेटिव मैंने सोचा बनाने की कोशिश करूँ, और हम नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब बाय।